12 किलो, बाप रे बाप बहुत भारी है। एक क्विंटल 12 किलो, बाप रे बाप, एक क्विंटल 12 किलो। यही है काला चीता पहलवान राजस्थान श्री गंगानगर, महाराष्ट्र, काला चीता पहलवान महाराष्ट्र। और इन्हीं के सवालों के जवाब में जिन्होंने तिलक करा हुआ है, ये है बाबा हरिओम दास, वाल्मीकि आश्रम नेपाल, नवलप्रासी अपने नेपाल का है। कुश्ती का समय 15 मिनट। एक तरफ ज्यादा वजन होगा तो बाहर ही जाएगा। ये उंगली नहीं, उंगली नहीं, उंगली नहीं, चाटा नहीं मार सकते आप, सांटा मार सकते हैं, चाटा नहीं। बीच में हेलो काला चीता पहलवान, बीच में नहीं, काला चीता पहलवान आप इस तरह नहीं कर सकते। पब्लिक है, पब्लिक किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। ये पब्लिक मनोरंजन के लिए आई है, किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। हाँ पब्लिक है, पब्लिक का जिस पे मन उसी पर सपोर्ट कर सकती है। आप अच्छी कुश्ती दिखाइए, पब्लिक आपका भी सपोर्ट करेगी। इस गांव का नाम है भालू, इस गांव का नाम है भालूकस। जब पापा जी भालूकस लगाते हैं तो ये कमर की हड्डी चर चर बोलती है। लेकिन आप ये गलत काम कर रहे हो। साधु महाराज इसी चोटी के लिए बाबा जी ने अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़ा, इसी चोटी के लिए अपने भाई बहन को छोड़कर ये आश्रम, अनाथ आश्रम के महंत है यार। आप इनकी चोटी मत पकड़ो, इन्हीं चोटी के लिए इन्होंने अपना घर त्याग दिया। Thank you.
किस खिलाड़ी नेपाल के हियो पारस थप। अकल जवान के सलाम में भारत दिया पहलवान महाराष्ट्र और दोनों के बीच में भारत और नेपाल के बीच में संग्राम शुरू समय समय 15 मिनट समय दिया गया इसको छोड़ू सच उससे ज्यादा नहीं चल रहा है उससे ज्यादा और राजस्थान के पहलवान सुनिए अनुशासन में रहकर कुश्ती खेलिए अनुशासन ये नहीं हुआ
धन्यवाद महिला पहलवान के किसी देखे न मिले धन्यवाद कभी उठ जाइए।